देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े लूट, हथियारबंद बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। वर्षी सिनेमा रोड स्थित चोला मंडपम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 7 की संख्या में आए बदमाश 20,000 रुपए, एक लैपटॉप और 6 मोबाइल लूट कर फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बेतिया जिले में सोमवार को वर्षी सिनेमा रोड स्थित चोला मंडपम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान बदमाशों ने 20,000 रुपए, एक लैपटॉप और 6 मोबाइल लूट लिए। लॉकर की चाबी नहीं मिलने पर बदमाशों ने ऑफिस के स्टाफ के साथ मारपीट भी की। घटना को अंजाम देकर बदमाश आराम से फरार हो गए। बदमाशों ने लूटपाट के क्रम में ऑफिस बॉय राजगुरु चौक निवासी जगत मोहन राव के साथ मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जांच में जुटी पुलिस। घटना की सूचना पर सदर SDPO मुकुल पांडे, नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर और मुफस्सिल थाना अध्यक्ष उग्रनाथ झा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। पश्चिमी चंपारण बेतिया से ब्यूरो चीफ पिंटू कुमार की रिपोर्ट। आदमी बोलने लगा कि पैसा निकालो, पैसा कहाँ है। हम लोग बोले क्या कि मैनेजर अभी चाबी लेके नहीं आया है, चाबी जो होता है वो क्या करते हैं अभी नहीं आया है। तो वो लोग मारने लगा, बोला पैसा निकालो, जैसे भी हो पैसा निकालो। तो बोले मैनेजर आएगा तभी तो चाबी आएगा तब तो पैसा निकलेगा। तो तभी खूब मारने लगा। एक मैनेजर के पास अभी था मेरे पास, और दूसरे के लिए हम बोल दिए क्या कि वो अभी नहीं आया है, वो चाबी आएगा तभी पैसा निकलेगा। कितने लोग थे? वो लोग 7 आदमी थे। हथियार भी था उनके पास? सबके पास हथियार था, सबको मारने लगा। बोला कि चाहे पैसा नहीं मिलेगा गोली मार देंगे। सबको हम लोगों को एक जगह कर दिया वो लोग सारे को, और सबको मारने लगा। अरे किस चीज़ की लूट हुई है? ये लैपटॉप हुआ है, 6 मोबाइल हुआ है, और जिसके पास पर्सनल कैश था वो कैश लेके गया 20,000। जी क्या नाम हुआ आपका? मैं अश्विनी कुमार। आप ही मैनेजर? जी। तो पैसा तो मोबाइल है, 4 मोबाइल है और लैपटॉप है, और जो उनके पास में पैसा था उसको ले लिया है, सब लेकर भाग दिया। सेना कब अभी हो पाई है ना, वो क्लियर जाँच।